Hello everyone, welcome to Lex Guru. My name is Simran. Today we will be discussing on MP ADPO examination paper which was held on 18th December 2022. Before beginning with the discussion, I would like to inform you that the paper which is shown here is set C of the examination. Now let us begin with the discussion. First we will start with the first question. The Madhya Pradesh Excise Act 1915 prohibits the employment of male persons under the age of dash years. The correct answer of this question is 21 years. For this answer you can refer to section 22 of MP Excise Act, जो clearly ये बोलता है कि कोई भी person जिसके पास license है to sell intoxicants, वो किसी ऐसे person को employ नहीं करेगा whether he is a male or a female who is under the age of 21 years. Let us move to the next question. The next question is question number 52. The Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam gives the power to the DESH to impose restrictions for the maintenance of public order. ये question section 3 of MP Rajya Suraksha Adhiniyam पे based है, जहाँ पे ये power to impose restrictions on maintenance of public order exclusively district magistrate को दी गई है. So the correct answer here is B. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इस आंसर के लिए आप सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट को रेफर कर सकते हैं. आ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम शैल नॉट एक्सीड डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम ही सेक्शन पे बेस्ड था, सेक्शन 3, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और इस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं. वहीं पे अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इम्पोज किया है तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो रिस्ट्रिक्शन कितने टाइम तक एक्सटेंड करेगा. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 ईयर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट ऑफ 1915, तारी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैश ट्री. इसका आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाम ट्री. इसके लिए आप प्रिफर कर सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 18 ऑफ एमपी एक्साइज एक्ट, जो डेफिनेशन देता है इस टर्म का, तारी का, और बताता है कि ये जूस होता है वेदर फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कम्पोज ऑफ. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर, ये इसका कंपोजिशन क्या होता है. तो सेक्शन 5, अगर आप देखेंगे सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, बात करता है इस अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन की. एंड वो एक्ट क्लियरली बोलता है दैट द अथॉरिटी विल कंपोज ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स आउट ऑफ विच 1/3 शैल बी वुमेन. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑडिट. सेक्शन 3(1)(r) ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट डिफाइंस द टर्म फूड सेफ्टी ऑडिट. ये सेक्शन स्पेसिफिकली बताता है कि कोई भी सिस्टमेटिकली और फंक्शनली एग्जामिनेशन जो फूड सेफ्टी मेजर्स का किया गया है, दोज मेजर्स विच आर अडॉप्टेड बाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उसको बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑडिट. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट. Which section of Food Safety and Standard Act mentions the function of Chief Executive Officer? Section 10. The correct answer of this question is option number D. Section 10, ये Chief Executive Officer जो एक authority है जो इस act के अंदर appoint की जाती है, उसके functions के बारे में कौन सा section बात करता है? Section number 10. Next question number 58. With whose concurrence shall the judges of the special court which is established under the NDPS Act of 1985 be appointed by the government? ये question पूछ रहा है कि जो special court के judges NDPS Act के अंदर appoint किए जाते हैं,
वहाँ पे गवर्नमेंट किसका कॉन्फ्रेंस लेकर इनको अपॉइंट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 36 क्लॉज 2 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स और बताता है कि द कोर्ट शैल कंपोज ऑफ ए सिंगल जज जिसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट आफ्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 59, अंडर विच कंडीशन शैल द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक बी कंडक्टेड? अंडर द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट ऑफ 1994। ये क्वेश्चन है PCPNDT एक्ट से और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कंडक्ट की जा सकती है। ऑप्शंस दिए हैं, इफ द एज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, इफ द प्रेग्नेंट वुमेन हैज अंडरगॉन टू और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस और फीटल लॉस, इफ देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 4 का क्लॉज 3 अगर आप देखेंगे तो वो बताता है कि किन कंडीशंस में एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कंडक्ट करी जा सकती है। इस सेक्शन में क्लियरली बताया है कि अगर एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अबव 35 ईयर्स होती है तभी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी फैमिली में या उसके हस्बैंड की फैमिली में कोई मेंटल रिटार्डेशन का हिस्ट्री होता है तब कंडक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये दो ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैज अंडरगॉन टू और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑफ फीटल लॉसेस, इस केस में ओनली प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कंडक्ट करी जा सकती है। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, आउट ऑफ द बिलो मेंशन फॉर व्हाट पर्पस शैल द नेशनल फंड बी अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द मेजर्स टेकन फॉर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द NDPS एक्ट। सेक्शन 7A एक फंड के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है जिसका नाम है नेशनल फंड अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। जितना भी ड्रग अब्यूज हमारे इंडिया में हो रहा है उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक नेशनल फंड क्रिएट किया गया है अंडर सेक्शन 7। इस सेक्शन में बताया गया है कि वो फंड जो क्रिएट हो रहा है वो किस पर्पस के लिए, क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे उस फंड में, उस फंड को यूज़ करके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पर्पस के लिए वो फंड अप्लाई होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव मेजर्स विल बी टेकन यूजिंग दैट फंड। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मच पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्सन अंडर सेक्शन 27 ऑफ NDPS एक्ट इफ ही कंज्यूम्स कोकेन, मॉर्फिन, डायरेक्टल मॉर्फिन और एनी अदर नार्कोटिक ड्रग और एनी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा सब्सटेंस जो रिस्ट्रिक्टेड है अंडर द NDPS एक्ट उसको कंज्यूम करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सेक्शन 27 ऑफ द NDPS एक्ट। सेक्शन 27 में स्पेसिफिकली पनिशमेंट बताई है कि इफ एनी पर्सन कंज्यूम्स एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस तो उसको पनिशमेंट मिलेगी रिग्रस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिग्रस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, नॉट सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम RTI एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कुछ एग्जेम्पशंस को लिस्ट करता है कि इन एग्जेम्पशंस मतलब इन केसेस में राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसा राइट किसी भी सिटीजन के पास नहीं होगा। उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन हैं जैसे इफ द इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो किसी पर्सन के किसी सिटीजन के पास राइट नहीं होता कि वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस इन केसेस में से किस केस में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
बी और सी में ऑफन बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इस एग्जाम में. देखिए, बी बोलता है रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. करेंटली कोई भी मैटर विच इज पेंडिंग एंड इट इज़ अंडर डिस्कशन, इट इज़ अंडर डेलिब्रेशन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती. बट अ डिसीजन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, एक डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है एंड उसके वो मैटर क्लोज हो चुका है. तो उस केस में द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 8(1) क्लॉज 1 इट स्टेट्स के वो डिसीजंस जिनके बेसिस पे वो डिस्कशन पूरा और वो डिसीजन और वो मैटर डिस्क्लोज किया जा सकता है अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ हुम शैल द पावर ऑफ जनरल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वेस्ट. दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सेक्शन 15 क्लॉज 4 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जहां पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई है. इसका क्लॉज 4 स्पेसिफिकली बोलता है कि पावर ऑफ जनरल सुपरिंटेंडेंस इन केस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वो पावर स्पेसिफिकली होगी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास में. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. 63 का आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 64. द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 अलाउज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट टू. ये क्वेश्चन डायरेक्टली इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 9 ऑफ एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम, जो बात करता है कि अगर द स्पेशल कोर्ट विच इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट उससे कोई अपील जानी है तो वो अपील कहाँ जाएगी, वो अपील जाएगी टू हाई कोर्ट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. एज पर द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम अ स्पेशल कोर्ट शैल नॉट अर्जन एनी ट्राइब फॉर द पर्पस अनलेस सच एडजर्नमेंट इज इन इट्स ओपिनियन नेसेसरी. ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन सेक्शन नंबर 11 ऑफ द एक्ट, जो बताता है कि कब एडजर्नमेंट कर सकता है स्पेशल कोर्ट किसी ट्राइल को. तो जनरल रूल क्या है कि स्पेशल कोर्ट एडजर्न नहीं करेगा अनलेस इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. अनलेस स्पेशल कोर्ट को लगता है दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू पोस्टपोन टू एडजर्न दैट पर्टिकुलर ट्रायल, तभी उस केस में स्पेशल कोर्ट एडजर्न कर सकता है, वरना यूजुअली नहीं किया जाता है एडजर्नमेंट ट्रायल का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. द मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 प्रिस्क्राइब्स दैट देयर शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर स्ट्रेटनिंग द इंस्टीट्यूशंस विच आर एंगेज्ड इन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ काउ प्रोजनी. सेक्शन 7 बात करता है इस बारे में. सेक्शन 7 ऑफ एमपी गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप्स लेगी और स्टैंड इन करेगी उन इंस्टीट्यूशंस को विच आर एंगेज्ड इन वेलफेयर एक्टिविटीज़ विथ रिगार्ड टू काउ प्रोजनी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. द मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम प्रोवाइड्स दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑल द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट शैल बी. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 10 ऑफ एमपी गोवंश वध अधिनियम एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज द ऑफेंसेज, ऑल द ऑफेंसेज अंडर द एक्ट दे शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. तो सेक्शन नंबर 10 को आप प्रेफर करेंगे, वहाँ पे क्लियरली बोला है कि सीआरपीसी में कुछ भी दिया है उसको नहीं देखा जाएगा. एमपी गोवंश अधिनियम के अंदर जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं वो सब क्या होंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2010 स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स. स्टिपुलेटेड टाइम इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है. ये टर्म डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट. अगर आप सेक्शन 2I को देखेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली इसे बताया गया है. ये एक ऐसा टाइम होता है जो मैक्सिमम लिमिट है जिसमें डेसिग्नेटेड ऑफिसर को सर्विस प्रोवाइड करनी है.
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम क्या गारंटी देता है? द पीपल ऑफ द स्टेट उनको गारंटी देता है कि जितनी भी लोक सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। यहाँ पे जिस डेसिग्नेटेड ऑफिसर अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है उसने, इस एक्ट ने बोला है कि स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के विद इन, मैक्सिमम टाइम है ये जिसके अंडर ये डेसिग्नेटेड ऑफिसर उस सर्विस को प्रोवाइड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू प्रोवाइड द सर्विस बाय द डेसिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द डैश ऑफ द स्टेट विदिन ऑफ द स्टेट विदिन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड है इस एक्ट के प्रियम्बल पर। इस एक्ट का प्रियम्बल बताता है कि ये एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। इस एक्ट को लाने का सोल ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें कुछ सर्विसेज स्टेट के लोगों को प्रोवाइड करनी है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, और इस एक्ट ने बता दिया है ये किसकी ड्यूटी होगी, द डेसिग्नेटेड ऑफिसर विच इज़ अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। तो इस ये ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है, अगर आप प्रीएम्बल को देखेंगे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पीपल ऑफ द स्टेट। स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट एंड फॉर अदर कनेक्टेड मैटर्स, इसके लिए ये एक्ट को लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड 5 टाइप्स का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, और यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी, यहाँ पे जो पनिशमेंट्स मेंशन है ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जो सेक्शन 53 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो इसमें से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रांडिंग। ये एक तरीके की पनिशमेंट सेक्शन 53 के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है, और कोई भी कोर्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी लॉ वो इस पनिशमेंट को नहीं दे सकता, क्योंकि आईपीसी में द कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू गिव दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट। इसलिए सेक्शन 70 का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज रजिस्टर्ड इन द स्टैट्यूट बुक एज एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। कुछ क्वेश्चंस तो इस एग्जाम में ऐसे आए थे कि बिल्कुल डायरेक्टली उन्होंने उठा के पूछ लिया था फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट, द डेट ऑफ इनएक्टमेंट, द डेट ऑफ एनफोर्समेंट, द एक्ट नंबर, ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का नंबर पूछा गया है कि ये 1958 में ये इनेक्ट किया गया था एक्ट, इस ईयर में ये किस नंबर पे इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो इट वाज एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर रिफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 शैल बी ट्रीटेड एज। सेक्शन 7 स्पेसिफिकली बताता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर इस एक्ट के अंदर ईदर अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 और अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 2 रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो रिपोर्ट का नेचर क्या होगा, वो रिपोर्ट का नेचर होगा कॉन्फिडेंशियल, दैट रिपोर्ट विल बी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। दिस टर्म, द टर्म पर्सन, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 11 ने बोला है कि ये पर्सन के अंदर, इस टर्म के अंदर इट विल ऑल्सो इंक्लूड ए कंपनी और एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। तो अदर, इसका मतलब है कि अगर आईपीसी में किसी ऑफेंस में टर्म पर्सन को रेफर किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक नेचुरल पर्सन ही वो क्राइम कमिट कर रहा है। द क्राइम कैन बी कमिटेड ऑल्सो बाय ए कंपनी और एन एसोसिएशन और ए बॉडी ऑफ पर्सन वेदर दे आर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन था जो इस एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट द इंडियन पिनल कोड वॉज ड्राफ्टेड बाय, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये
मोस्ट ईजी क्वेश्चन है जो नॉर्मली जुडिशरी एग्जाम में या ऐसे लॉ एग्जाम्स में पूछा जाता है. एंड क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. द कॉन्स्टिट्यूशनल 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 केम इन टू फोर्स ऑन. ये अमेंडमेंट जो 105th अमेंडमेंट है जो 2000 द कॉन्स्टिट्यूशनल 105th अमेंडमेंट जो 2021 में आया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये दैट अमेंडमेंट केम इन टू फोर्स ऑन विच डेट. दैट अमेंडमेंट केम इन टू फोर्स ऑन 15th सितंबर 2021. तो कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट कब आया था फोर्स में? 15th सितंबर 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल 86th अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर. दिस अमेंडमेंट वॉज पास्ड इन द ईयर 2002. ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है, आपको पता होगा. राइट टू एजुकेशन इस अमेंडमेंट से ही आया था हमारे यहाँ. इसने आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में और इंश्योर किया था कि हर चाइल्ड हु इज़ बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years, इसके पास राइट टू एजुकेशन है. ये अमेंडमेंट कब आया था? इन द ईयर 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन विच लैंग्वेज. ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 120 के अंदर जो बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, नॉर्मल मीटिंग्स और जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी. आर्टिकल 120 क्या बताता है? तो आर्टिकल 120 बोलता है दैट द बिजनेस कैन बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश लैंग्वेज. दो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं. इन किसी भी एक लैंग्वेज में द पार्लियामेंटेरियंस कैन चूज एंड दे कैन ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट. कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाए. ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे. इसका करेक्ट आंसर इज इन हिंदी और इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो द क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 and 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन. ये आर्टिकल्स हम देखें तो ये स्पेसिफिकली बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में. ये किस बारे में बात करते हैं? सिटीजनशिप. ये किस में डील किया गया है? पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये आर्टिकल, व्हेन दीज आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स. तो दीज आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन द ऑन 26th November 1949. तो ये आर्टिकल्स कब फोर्स में आए थे? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ऑन 26 November 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79. द मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007. इट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल सेक्शन 7 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ऑफ विच एक्ट? द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट. ये जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसे कौन प्रिसाइड करेगा? विच ऑफिसर विल प्रिसाइड विद दिस ट्रिब्यूनल? दिस ट्रिब्यूनल विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. कौन प्रिसाइड करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सब डिविजनल ऑफिसर्स के नीचे की रैंक का वो ऑफिसर नहीं होगा. एंड दैट ऑफिसर विल प्रिसाइड द मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड ए लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैज हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस to drive a light motor vehicle for at least. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई person को, ये किस section से निकल कर आ रहा है? ये question specifically section number 7 से आ रहा है. Section number 7 बताता है कि कब learner license grant हो सकता है किसी ऐसे person को to drive a transport vehicle. Unless, तब तक नहीं ग्रांट करेंगे, अनलेस ही इज हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 1 year.
अगर उसने एक साल तक ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव इलाइट मोटर व्हीकल होल्ड नहीं किया है तो उसको लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव ए हैवी व्हीकल नहीं मिल सकता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसिटी फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मोटर व्हीकल अंडर सेक्शन 29 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। कंडक्टर लाइसेंस की नेसेसिटी कब अराइज होती है, जब किस टाइप के मोटर व्हीकल के केस में अराइज होती है, विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 29 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। ये भी एक डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 29 बताता है कि जब अ पर्सन इज ड्राइविंग अ स्टेज कैरेज, उस केस में नेसेसिटी अराइज होती है उस पर्सन को जरूरी है होल्ड करना टू अ कंडक्टर लाइसेंस व्हेन ही इज ड्राइविंग अ स्टेज कैरेज, एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन अंडर सेक्शन 29 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। Offense of drunk driving is caused when the alcohol in blood exceeds. ये section 185 देखेंगे अगर आप motor vehicle act का, तो वहाँ पे दिया है कि offense of drunk driving cause होता है, एक person commit करता है इस offense को जब उसके blood में alcohol की quantity exceed कर जाती है 30 mg per 100 ml blood। तो इसका correct answer is option number D। सेक्शन 185 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये इस ऑफेंस के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एक अनदर क्वेश्चन था, इस पेपर में मेजर लॉस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेजर लॉस से आए थे वो बहुत ईजी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड, प्रीएम्बल बेस्ड, स्टार्टिंग के प्रीलिमिनरी पार्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चंस थे। ये भी एक इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 1 पर क्वेश्चन था, जहां पे पूछा गया है द कोर्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है उसमें आर्बिट्रेटर, उसमें कौन सा कोर्ट है यहाँ पे जो नहीं आता है। तो इट इंक्लूड्स अ जज, ए मैजिस्ट्रेट, अ पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, बट इट डज नॉट इंक्लूड एन आर्बिट्रेटर। सेक्शन 1 स्पेसिफिकली बताता है, सेक्शन 3 हमारा कोर्ट का डेफिनेशन देता है, एंड सेक्शन 1 स्पेसिफिकली बताता है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इट विल अप्लाई टू ऑल द प्रोसीडिंग्स जहाँ पे एविडेंस लिए जा रहे हैं बिफोर ए जज, ए मैजिस्ट्रेट, या फिर बिफोर एनी अदर पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अगर आप सेक्शन 3 में कोर्ट का डेफिनेशन देखेंगे तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगी बात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वॉज आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट, एंट्री इज मेड अंडर द बर्थ एंड डेथ रजिस्टर इज रेलिवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक बर्थ और डेथ रजिस्टर क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि बर्थ और डेथ रजिस्टर इज ए पब्लिक रिकॉर्ड, और पब्लिक रिकॉर्ड में की गई एंट्रीज कहां पे रेलिवेंट है, दे आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट। तो यहां पे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंटेनेंस इस एक्ट के अंदर क्या दी गई है। द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है। तो यहाँ पे पूछा है शेल नॉट एक्सीड 5,000 rupees पर मंथ, शेल नॉट एक्सीड 7,000 rupees पर मंथ, शेल नॉट एक्सीड 10,000 rupees पर मंथ, और शेल नॉट एक्सीड 12,000 rupees पर मंथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कम्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 9 ऑफ द एक्ट, जो बोलता है कि मैक्सिमम मेंटेनेंस कितना ग्रांट हो सकता है इस एक्ट के अंदर, दैट इज इट शेल नॉट एक्सीड 10,000 rupees पर मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफेंसेस अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट आर। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं इस एक्ट के अंदर उनका नेचर क्या होगा। सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट इन ऑफेंसेस का नेचर बताता है, वेदर दे आर नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, या फिर वो कॉग्निजेबल बेलेबल है, या बेलेबल कॉग्निजेबल है, या फिर नॉन
कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है. तो इसमें से अगर हम सेक्शन 25 को देखें तो सेक्शन 25 द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. सेक्शन 25 स्पेसिफिकली बोलता है कि इस एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं दे आर कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था. दिस इज ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जिसको ट्रिकी बनाया गया था, उसके ऑप्शंस में कंफ्यूजन लाया गया था. हम इसे ध्यान से देखते हैं. सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. अंडर सेक्शन 94 ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज. ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो सेक्शन 94 में जिसके बारे में बात की गई है वो इनमें से किस पे अप्लाई होता है. इट अप्लाइज टू काउंटरफीट कॉइन, यस. इट अप्लाइज टू काउंटरफीट करेंसी नोट, यस. इट अप्लाइज टू फॉर्ज डॉक्यूमेंट, यस. Does it apply to objectionable objects which are referred in section 294 or it applies to objectionable objects which are referred in section 292? एक बार आप ये सेक्शन ध्यान से देखेंगे तो यही ऑप्शन को कन्फ्यूजिंग बनाया गया है. Objectionable objects which are defined in section 292 वो कवर्ड होते हैं objectionable articles में, but which are defined in 294 वो कवर्ड नहीं होते. इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव मार्क्ड दिस एज करेक्ट, बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ये ऑप्शन करेक्ट है 1, 2 and 3. तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर इज बी, 1, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी द लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर विच एन एक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी इज. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी पे बेस्ड था. सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी किस बारे में बात करता है? जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके पास राइट है अंडर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी कि उसे मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट अरेस्ट. जब उसे प्रेजेंट किया जाता है तो द मजिस्ट्रेट हैज द ऑप्शन ईदर टू ग्रांट पुलिस कस्टडी और टू ग्रांट जुडिशियल कस्टडी. अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट होती है तो ये सेक्शन बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम टाइम जब तक वो मजिस्ट्रेट उस पुलिस कस्टडी को ग्रांट कर सकता है, मतलब पुलिस की कस्टडी में उस एक्यूज को भेज सकता है, वो मैक्सिमम टाइम क्या होगा? 15 डेज. 15 डेज से ज़्यादा की पुलिस कस्टडी कभी ग्रांट नहीं हो सकती. तो इस क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 15 डेज. क्वेश्चन नंबर 89, In relation to the commission of which of the following offence, the general public does have a duty under section 39 of CRPC to give information to the nearest magistrate or police officer. Section 39 एक general duty बताता है public की कि आपके आसपास इनमें से जो offences section 39 में mention है उसमें से कोई commit हुआ है तो आपका duty है कि आप उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दोगे टू मजिस्ट्रेट और टू पुलिस ऑफिसर. जो भी नियरेस्ट होगा, इधर ही कैन बी अ मजिस्ट्रेट और ही कैन बी अ पुलिस ऑफिसर, उसको इन्फॉर्मेशन देने का ड्यूटी है सेक्शन 39 में. यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस ऑफेंस के बारे में वो ड्यूटी अप्लाई नहीं होती है, मतलब इसमें से किस ऑफेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना उस जनरल पब्लिक के ऊपर ज़रूरी नहीं है. अगर आप सेक्शन 39 का एक बार पर्यूजल करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट के केस में इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, किडनैपिंग एंड अबडक्शन के केसेस में भी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग ए लाइट हाउस, मिसचीफ के ऑफेंसेज वहाँ पर स्पेसिफिकली मैंशन है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है. द नेक्स्ट द लास्ट ऑप्शन विच इज़ हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इस ऑफेंस के केस में इंफॉर्मेशन देना इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट विच वन इज नॉट ए प्रोबेशन ऑफिसर. तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन एक प्रोबेशन ऑफिसर नहीं अपॉइंट हो सकता. सेक्शन 13 का अगर आप देखेंगे तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि एक प्रोबेशन ऑफिसर कौन बन सकता है. पहला ऑप्शन देखते हैं, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये पर्सन प्रोबेशन ऑफिसर बन सकता है. नेक्स्ट, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये पर्सन भी प्रोबेशन ऑफिसर बन सकता है.
In any exceptional case, any other person who, in the opinion of the court, is fit to act as a probation officer in the special circumstances of the case. ये भी सही है, ये भी person probation officer बन सकता है. But यहाँ पे पूछा क्या गया है, who cannot become a probation officer? तो कोई भी company या फिर association या body of persons, whether incorporated or not, ये कंपनी या फिर एसोसिएशन प्रोबेशन ऑफिसर नहीं बन सकती. इसलिए क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 90 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेजर लॉ से क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू अबाउट द कोर्ट ऑफ सेशन. यहाँ पे पूछा गया है इन ऑप्शंस में से क्या चीज सही है अबाउट द कोर्ट ऑफ सेशन. कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है? सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के एस्टेब्लिशमेंट की एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस. यहाँ पे हम देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिविजन. नो, इट इज द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट होती है जो एस्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशन डिवीजन. तो ये पॉइंट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन. एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट. दिस इज करेक्ट. हर कोर्ट ऑफ सेशन प्रिसाइड करा जाएगा एक जज के द्वारा, जिसको कहा जाता है सेशन जज, एंड दैट सेशन जज इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. The High Court may also appoint additional session judges and assistant session judges. Yes, this option is also correct. High Court appoint कर सकता है additional session judges and assistant session judges. The session judge of one session division may be appointed by the Chief Justice of India only to be also as additional session judge of another session division. This is wrong. Chief Justice of India के द्वारा नहीं इसको appoint किया जाता है. इसे हाई कोर्ट एम्पावर कर सकता है टू एक्ट एज एडिशनल सेशन जज फॉर अनदर सेशन डिवीजन. तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट करेक्ट हुए? पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. An order of a general nature or affecting a class of persons made under Section 3 of the Essential Commodities Act shall be notified in the. कहाँ पे ऐसे order को notify करा जाएगा? अगर आप Section 3 देखेंगे, अगर आप Section 3 का Clause 5 देखते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने specifically बोल दिया है कि चाहे वो order एक general nature का order हो या वो किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को अफेक्ट कर रहा हो, हर उस ऑर्डर को जो असेंशियल कमोडिटी के लिए डील कर रहा है, उसे द गवर्नमेंट दैट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज़ पासिंग द ऑर्डर, इट इज़ नो, इट विल नोटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इन द ऑफिशियल गैजेट ओनली. कहीं और उसे नोटिफाई नहीं किया जाएगा हर ऐसे ऑर्डर को, वेदर इट इज़ ऑफ ए जनरल नेचर या वेदर इट इज़ अफेक्टिंग एनी क्लास ऑफ पर्सन, इट विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ओनली. तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफिशियल गैजेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी पर्सन व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फर्निशेस एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन इट शैल बी पनिश्ड विथ. तो ये सेक्शन बोल रहा है कि कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर रिक्वायर है कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है, एंड इफ ही फेल्स टू डू सो, इफ ही फर्निशेज ए फॉल्स स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन और ही फर्निशेज ही फेल्स टू डू सो, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ. इसको आप रिफर कर सकते हैं सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. ये इस पनिशमेंट के बारे में बात करता है और बोलता है कि अगर सेक्शन 3 में एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है, देन ही विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विथ फाइन और बोथ. तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. पावर टू नोटिफाई एन एसेंशियल कमोडिटी इज वेस्टेड इन. ये क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 2A ऑफ द एक्ट.
जहाँ पे पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसी कमोडिटी को असेंशियल कमोडिटी। ये पावर किसे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ 2013 और ये पूछता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी किस सेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होती है? सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 4। तो ये पूछ रहा है कि इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर्स कितने पीरियड तक उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो दे विल होल्ड द ऑफिस। अगर आप सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज 3 को देखेंगे तो वो बताता है दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी विल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर इज नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 15 ऑफ द सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 डील्स विद। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये पूछ रहा है कि सेक्शन 15 किस पॉइंट से डील करता है। सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। ये मेजर्स बताता है, क्या मेजर्स कंसिडर करके द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमेटी जो कंपनसेशन दे रही है इस एक्ट के अंदर, वो क्या मेजर्स कंसिडर करेगी और डिटरमाइन करेगी दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। तो सेक्शन 15 का क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट द एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन विच डेट। तो द एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 22 अप्रैल 2013। सेक्शुअल हरेसमेंट एक्ट को प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी? ऑन 22 अप्रैल 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द डेफिनेशन ऑफ टर्म एम्प्लॉई विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट। अगर आप सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे इस टर्म का डेफिनेशन दिया है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस टर्म के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉई आते हैं। तो अगर आप उस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो इट इंक्लूड्स ए रेगुलर एम्प्लॉई, इट इंक्लूड्स ए टेम्प्ररी एम्प्लॉई, इट इंक्लूड्स ए एडहॉक एम्प्लॉई एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए डेली वेज एम्प्लॉई। मतलब जिसको डेली वेजेस मिलती हैं, या फिर वो टेम्प्ररी एम्प्लॉयमेंट पे है, या वो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे है, या फिर वो एक एडहॉक एम्प्लॉय है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ये सब लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डिफाइंस क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये पूछ रहा है कि किस सेक्शन में ये टर्म क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। अगर आप सेक्शन 13 को देखेंगे तो वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टर्म को, इस फ्रेज को डिफाइन करता है और बताता है कि कब एक मिसकंडक्ट, क्रिमिनल मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाएगा बाय ए पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1998। तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुएवर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1998 सब्सिक्वेंटली कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विथ। यहाँ पे एक बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बार एक पर्सन ने ऑलरेडी एक ऑफेंस इस एक्ट के अंदर कमिट कर लिया है एंड सब्सिक्वेंटली वो फिर से उस किसी ऑफेंस को कमिट करता है, मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया है इस एक्ट के अंदर। ये क्वेश्चन ने डायरेक्ट इस टर्म को नहीं यूज़ किया, बट ये क्वेश्चन इसी फैक्ट पे बेस था कि अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, किस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। तो इस हैबिचुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस से कौन सा सेक्शन डील करता है इस एक्ट का? सेक्शन नंबर 14। अगर आप देखेंगे, इट डील्स विथ हैबिचुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंसेज विच आर पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101. क्वेश्चन नंबर 101, विच पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988. अगर आप सेक्शन 17 को देखते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफाई करे गए हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल जो ऑफेंसेस हैं उनके केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले देखें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. उसके बाद क्या दिया है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के केस में कौन कर सकता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. तो अगर आप सेक्शन 17 देखेंगे ना, वहाँ पे भी मेंशन है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के केस में इस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, वो करेगा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. उसके बाद सेक्शन 17 बोलता है कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उस केस में कौन करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. और एनी अदर प्लेस जहाँ पे ये दोनों प्रोविजन्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, उस केस में कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. इसका मतलब ये भी करेक्ट है. तो इसका करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 सेटल फ्यू प्रिंसिपल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ये प्रिंसिपल्स जो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेटल किए गए हैं वो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में मेंशन है. दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये प्रिंसिपल्स जो ए और बी ऑप्शन में दिए हैं ये उन प्रिंसिपल्स का पार्ट फॉर्म करते हैं कि नहीं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यस, ये आता है इस सेक्शन के प्रिंसिपल्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन आता है कि ये एक प्रिंसिपल होगा जिसको ध्यान में रखेंगे वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, नहीं, ये ऑप्शन इज रॉन्ग, ये प्रिंसिपल वहाँ पर मैंशन नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज ए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट हु मे एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ए चिल्ड्रन होम. चिल्ड्रंस होम के एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस के बारे में सेक्शन 50 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है. सेक्शन 50 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलता है कि चिल्ड्रन होम स्टैब्लिश और मेंटेन करे जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या तो वो खुद करे या फिर वो किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प ले इन स्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन होम. तो 103 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट इट्सेल्फ और थ्रू एनजीओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. According to Section 2, Clause 2 of the Juvenile Justice Care and Protection Act of 2015, child means. इस सेक्शन में कुछ ही डेफिनेशंस थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं, बट कुछ डेफिनेशंस थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जिसमें से एक डेफिनेशन थी द टर्म चाइल्ड की, जहाँ पे बताया गया है चाइल्ड मीन्स अ पर्सन who has not completed the age of 18 years. तो मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है वो पर्सन कौन होगा, चाइल्ड होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 104 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, इन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, क्या ये एक्ट whether it is applicable to inter country relative adoption or not. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन पे कि नहीं. अगर आप सेक्शन 56 क्लॉज 4 को देखते हैं तो सेक्शन 56 क्लॉज 4 बोलता है स्पेसिफिकली कि इंटर कंट्री रिलेटेड अडॉप्शन जितने भी होंगे उन पे जे एक्ट स्पेसिफिकली अप्लाई होगा. इस क्या एप्लीकेशन होगा, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात कर रहा है, सेक्शन 60. बट हाँ,
ये इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन पे एप्लीकेबल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, येस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अ डिटेंशन ऑर्डर इज नॉट इनवैलिड और इनऑपरेटिव अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980 बिकॉज द पर्सन इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. द पर्सन इज ऑलरेडी अंडर डिटेंशन आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर आप सेक्शन 6 ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को देखते हैं तो ये बताता है कि कोई भी डिटेंशन ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर दिया गया है वो इनवैलिड नहीं होगा. या तो वो पर्सन जिसके रिगार्डिंग में वो ऑर्डर दिया गया है ही इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज गिविंग दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, या फिर पर्सन इज ऑलरेडी अंडर डिटेंशन एंड ही इज आउटसाइड द लिमिट. या तो पर्सन फ्री है और वो आउटसाइड है, या वो ही इज ऑलरेडी अंडर डिटेंशन एंड ही इज आउटसाइड. इन दोनों केसेस में द ऑर्डर विल नॉट बी इनवैलिड, द ऑर्डर विल रिमेन वैलिड एंड सेक्शन 6 इस चीज को क्लैरिफाई करता है. तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी. सेक्शन 106 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सेक्शन 106, क्वेश्चन नंबर 107, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द स्पेशल कोर्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989. कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेशल कोर्ट को विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989. यहाँ पे अगर आप इस एक्ट का सेक्शन नंबर 14 देखते हैं तो वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स की. कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स की कौन सा सेक्शन बात करता है, SC ST एक्ट का सेक्शन नंबर 14. यहाँ पे आप देखेंगे तो द पावर इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कॉन्करेंस के बाद हर स्टेट में एस्टैब्लिश करती है स्पेशल कोर्ट, अपने जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो एस्टैब्लिश करती है स्पेशल कोर्ट अंडर दी SC ST एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कम्युनिकेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू अ पर्सन डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980. ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना किस सेक्शन में बताया है कि कितने टाइम में वो ग्राउंड्स हमें कम्युनिकेट करने हैं टू द पर्सन हु इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ ए डिटेंशन ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर पास किया गया है. तो ये सेक्शन हमारा ऑफ 8, सेक्शन 8 ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इस चीज के बारे में बात करता है एंड वो बोलता है कि ऑर्डिनरी केसेस में आपको कितने टाइम में कम्युनिकेट करने हैं ग्राउंड्स, विद इन 5 डेज, एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आप कब तक डिटेन कर सकते हो एक पर्सन को विदाउट कम्युनिकेटिंग हिम द ग्राउंड, वो मैक्सिमम लिमिट इज 10 डेज. तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज द डिटेन पर्सन हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑर्डिनरीली नॉट लेटर देन 5 डेज. ऑप्शन सी करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में यहाँ 15 डेज मेंशन है, बट करेक्ट क्या है 10 डेज. डिटेन पर्सन हैज टू बी इन्फॉर्म्ड नॉट लेटर देन 30 डेज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1908 इज टू बी हेडेड एज चेयरमैन बाय. सेक्शन, अगर आप इस एक्ट का सेक्शन नंबर 9 देखेंगे, सेक्शन 9 ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बात करता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. ये बोलता है कि इस एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, अ पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट. अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी था पहले या वो अभी है उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PCPNDT एक्ट ऑफ 1994 सेक्शन 21, विथ हुम मे द अपील बी प्रिफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाय द जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक. यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक्शन 21 के अंडर
सेक्शन 21 के अंडर एक जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक किसके सामने अपील प्रेफर कर सकती है अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर आप सेक्शन 21 को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे दो अथॉरिटीज़ के बारे में मेंशन है। या तो ऑर्डर इस PCPNDT एक्ट के अंदर पास किया गया है एक स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा या एक सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा। इफ़ द ऑर्डर इज पास बाय द स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, द अपील विल लाई बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट। एंड इफ़ द ऑर्डर इज पास्ड बाय द सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, द अपील विल लाई बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे कि स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PCPNDT एक्ट विच कोर्ट शैल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अगर आप सेक्शन 28 क्लॉज 2 ऑफ PCPNDT एक्ट देखते हैं तो वहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया है कि जितने भी ऑफेंसेस, ऑल ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, दे शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ ईदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मतलब इस एक्ट के सेक्शन 28 ने बोल दिया है कि किसी और कोर्ट को एम्पावर पावर नहीं है इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की, और इन ऑफेंसेस को कौन ट्राई करेगा? स्पेसिफिकली ईदर द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट बिकम्स एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट इन केस ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 112 इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सेक्शन 5 क्लॉज एम ऑफ द पॉक्सो एक्ट, जो बताता है कि कब एक एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट, एक पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट एक एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट बन जाता है। If that particular act, the penetrative sexual assault, is committed with a child who is below the age of 12 years, तो section 5 clause M के according वो aggravated penetrative sexual assault बन जाता है। तो question number 112 का correct answer is option number B. Next, question number 113. On which of the following subject the opinion of expert is not relevant under section 45 of the Indian Evidence Act? सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, और कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को लिस्ट डाउन करता है कि इन सब्जेक्ट्स मैटर के रिगार्डिंग ही ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 45। दैट सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड ए फॉरेन लॉ, इट इंक्लूड साइंस, इट इंक्लूड आर्ट्स, इट इंक्लूड्स आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन और हैंड राइटिंग, बट इट डज नॉट इंक्लूड कॉमर्स। यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट रेलिवेंट, मतलब हमें इसमें से बताना है कि किसको इंक्लूड नहीं करता है सेक्शन 45। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 113 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय। अगर आप सेक्शन 61 को देखेंगे ध्यान से तो वो ये एक क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 61 स्पेसिफिकली बोलता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं? बाय प्राइमरी एविडेंस, ये हमारा सही नहीं होगा। बाय सेकेंडरी एविडेंस, ये सही नहीं होगा। बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ये दो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, पर अगर आप ध्यान से सेक्शन को देखते हैं तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ज़रूरी नहीं है कि दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 61 बोलता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आप या तो प्राइमरी एविडेंस ला के प्रूफ कर सकते हैं या आप सेकेंडरी एविडेंस ला के प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Protection of Children from Sexual Offences Act came into force on। ये one of the easiest direct the act based question था, date of enforcement पूछी गई है। Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act की ये this date is 14th November 2012। इसका correct answer क्या है? Question number 115 का correct answer is option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। इन ग्रांटिंग द लाइसेंस फॉर आर्म्स द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉल्स फॉर द रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अंडर।
अब आप सेक्शन 13 देखेंगे ध्यान से, तो सेक्शन 13 बात करता है पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस अंडर द पर्टिकुलर एक्ट। लाइसेंस किस बारे में ग्रांट हो रहा है? टू कैरी और टू मैन्युफैक्चर और टू यूज दैट पर्टिकुलर आर्म और एमिनेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन आई है फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, उसने क्या किया है कि कॉल फॉर रिपोर्ट किया है फ्रॉम द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ये कॉल फॉर रिपोर्ट किस सेक्शन के अंडर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अंदर पावर दी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि वो कॉल फॉर रिपोर्ट कर सकती है फ्रॉम द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर कन्वर्टिंग एन इमिटेशन फायर आर्म इंटू ए फायर आर्म इज। ये मैक्सिमम दिस मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट। अगर आप सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है फॉर कन्वर्टिंग एन इमिटेशन फायर आर्म इंटू ए फायर आर्म। ये मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इन्होंने क्या बोला है, इट विल बी 7 years, मतलब मिनिमम 7 years का आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इफ यू कन्वर्ट एनी इमिटेशन फायर आर्म इंटू ए फायर आर्म। सेक्शन 25 को आप रेफर कर सकते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्रिजनमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज शेल नॉट बी लेस देन। यहाँ पे पूछ रहा है कि इम्प्रिजनमेंट किसी चाइल्ड का यूज किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज, तो उस केस में उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इट शेल नॉट बी लेस देन। अगर आप सेक्शन 14 देखेंगे ऑफ पॉक्सो एक्ट तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी चाइल्ड का पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है तो उसको कितना मिनिमम इम्प्रिजनमेंट मिलता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 years। अगर द फर्स्ट टाइम दैट इफ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज कमिटिंग द ऑफेंस, अगर वो फर्स्ट टाइम कमिट करता है तो उसको मिनिमम इम्प्रिजनमेंट मिलता है 5 years प्लस फाइन। और सेक्शन ये भी बताता है कि अगर इफ ही कमिट्स दैट पर्टिकुलर ऑफेंस फॉर सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम तो कितना मिलेगा, 7 years प्लस फाइन। तो आप इसका इस क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हैं सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन गिव ए लाइसेंस फॉर द एक्विजिशन पोजेशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टन केसेस। यहाँ पे पूछा है कोई आर्म्स या एमिनेशन है जिनका एक स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन है कुछ सर्टेन केसेस में, उनके रिगार्डिंग कौन सी अथॉरिटी है इनमें से जो लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। तो हम इसके लिए रेफर करेंगे सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 4 बताता है कि ये ऐसे सर्टेन केसेस में स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग लाइसेंस ग्रांट करना, ये स्पेसिफिक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेक्शन 4 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं फॉर एक्विजिशन पोजेशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नोन एज। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 2(1)(g) ऑफ द आईटी एक्ट, जो बताता है कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो डिफाइन करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और बताता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है, वो पर्सन होता है जिसको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है कि वो इशू कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश एन डॉक्यूमेंट रिक्वायर रिटर्न और रिपोर्ट कैन बी पीनलाइज्ड अप टू। ये आप इसको सेक्शन 44 ऑफ द आईटी एक्ट देख सकते हैं। सेक्शन 44 ऑफ आईटी एक्ट इस पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब करता है और बोलता है कि एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट, और वो नहीं करता है ऐसा, फेल हो जाता है करने में, तो ही कैन बी पीनलाइज्ड अप टू 150,000 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्शुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज प्रोवाइडेड इन।
ये पनिशमेंट कहाँ पे प्रोवाइडेड है? अंडर सेक्शन 67B ऑफ द एक्ट. सेक्शन 68 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. ये सेक्शन स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है पनिशमेंट को फॉर कमिटिंग, फॉर पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑफ एनी मटेरियल विच इज डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्शुअल एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन जो ऐसा एक्ट को कमिट करता है, देन ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 67B ऑफ द एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123. Under the Explosives Act, of 1884, who has the power to make rules as to licensing of the possession and sale of explosives? यहाँ पे पूछा है कि किसके पास पावर है इस एक्ट के अंदर रूल्स बनाने की, किस रिगार्डिंग? लाइसेंसिंग एंड सेल ऑफ एक्सप्लोजिव्स. तो अगर आप इस एक्ट का सेक्शन नंबर 5 को रिफर करते हैं, वहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली ये पावर टू मेक रूल्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इस रिगार्ड में. तो सेक्शन वन, क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the punishment for manufacture, import or export of any explosive in contravention of the rules made under Section 5 of the Explosive Act of 1884? क्या मैक्सिमम पनिशमेंट होगी अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है किसी एक्सप्लोजिव को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स विच आर मेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट. तो सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. आप सेक्शन 9B ऑफ द एक्ट को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी है फॉर ब्रीच ऑफ द रूल्स विच आर मेड अंडर सेक्शन 5. एंड उसकी पनिशमेंट क्या है? 3 years इम्प्रिजनमेंट और 5,000 rupees फाइन और बोथ. क्वेश्चन नंबर 125. एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेयरिंग कमिटी? स्टेयरिंग कमिटी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन सेक्शन नंबर 38U ऑफ द एक्ट बात करता है. 38U ऑफ द एक्ट किस बारे में बात करता है? कि स्टेयरिंग कमिटी का जो इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसका कंपोजिशन क्या होगा. ये सेक्शन बताता है कि इस एक्ट, इस कमिटी का चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ स्टेयरिंग कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 38U ऑफ द एक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द एक्सप्लोजिव एक्ट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोजिव? कौन सा सेक्शन है जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रोहिबिट कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोजिव्स? तो ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 6 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रोहिबिट ए टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोजिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 127, अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज? ये एक स्पेसिफिकली सेक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है. अगर आप सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट को देखते हैं तो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डिक्लेयर करता है कि एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट विच इज मेड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, सच एग्रीमेंट विल बी ए वॉइड एग्रीमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर इज सी, वॉइड एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर 128, इफ अ पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबैटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डाउरी और डिमांडिंग ऑफ डाउरी, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन? ये सेक्शन नंबर 8A बोलता है कि कोई भी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग डाउरी और ऑफ गिविंग डाउरी एंड उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो ऐसा प्रूफ करना कि उसने डाउरी नहीं ली है या उसने डाउरी नहीं मांगी थी, उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड के ऊपर लाए करेगा. सेक्शन 8A ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट दिस शिफ्ट ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, ये एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था. यहाँ पे शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन के ऊपर केस क्या पूछा गया है. कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और बोला था, would only mean the house belonging to husband or the house which belongs to joint family of which husband is a member. ये कौन सा केस था? तो ये केस था SR बत्रा versus श्रीमती तरुणा बत्रा का केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेयर हाउसहोल्ड की डेफिनेशन जो DB एक्ट के अंदर दी गई है उसको डिस्कस किया था और बताया था
कि इट विल ओनली मीन ए हाउस बिलोंगिंग टू हस्बैंड या फिर हाउस बिलोंगिंग टू द जॉइंट फैमिली जिसका हस्बैंड मेंबर है. कौन सा केस है? द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्शन ऑफिसर फ्रॉम एक्शन टेकन इन गुड फेथ. एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको डीवी एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है, वो कोई एक्शन लेता है गुड फेथ में, तो उसको सूट और अदर प्रोसीडिंग से कौन सा सेक्शन है इस एक्ट का जो प्रोटेक्ट करता है? तो सेक्शन 35 इज द करेक्ट आंसर हेयर. सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्शन ऑफिसर फ्रॉम एनी एक्शन विच इज टेकन बाय हिम इन गुड फेथ, कि उसके अकॉर्डिंग कोई उसके अगेंस्ट उस एक्शन के रिगार्डिंग कोई सूट और लीगल प्रोसीडिंग लाई ना कर सके. तो द क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी अंडर सेक्शन 135. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नाउ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम विच डेट. ये क्वेश्चन बेस्ड है जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट के एनफोर्समेंट से. जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आया था? ऑन द डेट ऑफ 31st October 2019. इस डेट से डीवी एक्ट पूरे एंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल होने लग गया था. इससे पहले द एक्ट वॉज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 31st October 2019. In which of the following case has the Supreme Court of India declared that the word adult male in section 2U, 2Q of the Protection of Women from Domestic Violence Act stands deleted? So section 2Q, which used to define the term adult male, इसको किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट बोला था कि ये इट स्टैंड्स डिलीटेड एंड ये डेफिनेशन अब अप्लाई नहीं होगी? इट वॉज द केस ऑफ हीराल पी हसोरा वर्सेस कुमसुम नरोत्तम दास. सो क्वेश्चन 132 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133. विच सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो इट इज सेक्शन 38L ऑफ द एक्ट जो इस कंजर्वेशन अथॉरिटी को स्टैब्लिश करता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है. तो क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134. सेक्शन 38A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद. ये भी अनदर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है इस एक्ट से जो पूछ रहा है कि 38A किस से डील करता है. सेक्शन 38A इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी. तो इस क्वेश्चन का भी क्या हुआ करेक्ट आंसर? डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 38A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 135. सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब सेक्शन 5A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. 5A किससे डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये लगातार 3 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से जो डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे. अगर आपका सेक्शन पे ग्रिप अच्छा रहा था तो आपने ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर. द असेंशियल कमोडिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? द असेंशियल कमोडिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 1955. कब आया था ये फोर्स में? ये आप सबने देखा होगा, जब हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रीड करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा इट इज़ एन एक्ट ऑफ द ईयर ऑफ 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट रिसीव्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन विच डेट. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसने असेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस डेट को रिसीव करी थी. तो इसका क्वेश्चन का आंसर इज 16th March 1984. The Prevention of Damage to Public Property Act received the assent of the President on 16th March 1984. Question number 138. This is another question which is related to the Prevention of Damage to Public Property Act. और इसमें पूछा गया था कि Supreme Court ने किस केस में recommendations, guidelines issue करी थी on the basis of the recommendations which was given by the K.T. Thomas and F.S. Nariman Committee. किस केस में Supreme Court ने guidelines issue करी थी
with Rick on the basis of the recommendations which was given by this committee. तो वो कौन सा केस था? It was the case of destruction of public and private properties versus state of Andhra Pradesh 2009 case of the Supreme Court. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इश्यू करी थी with regard to the prevention of damage to public property act of 1984. Question number 139. ये डील करता है डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन से. The term deposit taker is defined under section 2 clause 6 of the act. This the banning of unregulated deposit schemes act. Section 2 clause 6 क्या बात करता है? Deposit taker को define करता है और वो specifically बोल देता है कि that the term deposit taker will not include a banking company. तो क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, आ बैंकिंग कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140. डेसिग्नेटेड कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. तो इस एक्ट के अंदर जो डेसिग्नेटेड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है वो जो इस एक्ट के पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर कोर्ट इन कॉन्करेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. तो अगर आप क्वेश्चन सेक्शन नंबर 8 को रिफर करेंगे तो वहां पे इसका क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट which deals with the power of the Supreme Court to transfer cases under banning of unregulated deposit schemes act. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि Supreme Court इस power को exercise कर सकता है to transfer case from one designated court to another on the application filed by whom? तो इस अगर आप इस section को देखेंगे तो Supreme Court ये power exercise कर सकता है on the application filed by competent authority और एनी इंटरेस्टेड पार्टी. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. वो एप्लीकेशन या तो कोई कंपिटेंट अथॉरिटी भी फाइल कर सकती है या फिर कोई इंटरेस्टेड पार्टी फाइल कर सकती है और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन डेसिग्नेटेड कोर्ट टू अनदर. क्वेश्चन नंबर 142. अंडर विच सेक्शन ऑफ द SC/ST एक्ट इज द एंटिसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड? एंटिसिपेटरी बेल कहाँ पे डिफाइंड है? एंटिसिपेटरी बेल डिफाइंड है सेक्शन 438 ऑफ CRPC. पर इसको प्रोहिबिट किया गया है किस केसेस में? SC/ST एक्ट के केसेस में. SC/ST एक्ट में ये बेल ग्रांट नहीं की जा सकती. और ये कहाँ पे ये प्रोहिबिशन है? ये दिस प्रोहिबिशन इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 18 स्पेसिफिकली बोल देता है कि इस केस में हम एंटिसिपेटरी, इस एक्ट के केसेस में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विक्टिम अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर. आप अगर सेक्शन 15A ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट देखेंगे तो वो बात करता है राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस की, जहाँ पे विक्टिम के राइट टू क्लेम कंपनसेशन एंड अदर ट्रेवल अलाउंसेस दिए गए हैं. वो सेक्शन स्पेसिफिकली इन राइट्स को मेंशन करता है जिसमें आर राइट टू बी हर्ड सेपरेटली इज नॉट मेंशन. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? द विक्टिम इज नॉट एंटाइटल्ड. इसमें से द विक्टिम इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल एक्यूरेट एंड टाइमली नोटिस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. ही इज एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड विद फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ट्रेवल अलाउंसेज, मेंटेनेंस एक्सपेंसेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल. बट इस सेक्शन के अंदर ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी हर्ड सेपरेटली. तो क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 144. द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये एक्ट किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है. ये डायरेक्ट रिलेशन स्टेब्लिश होता है बिटवीन द एक्ट एंड आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप आर्टिकल 17 और इस एक्ट को साथ में देखेंगे तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन एंड इट द एक्ट इज रिलेटेड टू एंड इट फॉलोज द आर्टिकल 17 के प्रिंसिपल्स को एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट को इन्फोर्स किया गया था. क्वेश्चन नंबर 145. द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, इंडिसिप्लिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 इज.
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर का मीनिंग क्या होगा इन द केस ऑफ दिस एक्ट। तो अगर आप इस एक्ट का सेक्शन 5 देखते हैं तो वो डिफाइन करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर की टर्म को और बताता है द टर्म ऑथराइज्ड ऑफिसर विल मीन एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज द पेनल्टी फॉर टेकिंग और गिविंग ऑफ डाउरी प्रोवाइडेड। तो कौन सा सेक्शन है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो प्रोवाइड करता है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी? ये है सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो बताता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज द करेक्ट सेक्शन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी फॉर टेकिंग और गिविंग ऑफ डाउरी। क्वेश्चन नंबर 147, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट द ऑफेंस इज। सेक्शन 8 के जो बताया इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 8 दिया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो ऑफेंसेस मेंशन है ये क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि ऑल ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अंडर द एक्ट दे विल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। अगर आप सेक्शन 8 को रेफर करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि ये एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल होंगे वो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 148, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज इनेक्टेड विथ ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन डायरेक्टली RTI एक्ट के प्रीएम्बल पर बेस्ड है और ये प्रीएम्बल बात करता है कि इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था। एक तो हमें एक सिस्टमेटिक मेथड स्टेब्लिश करना था जिससे ईजली सिटीजन्स को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो पाए। उसके बाद हमें प्रमोट करनी थी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूट करना था सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये तीन मेन ऑब्जेक्ट्स प्रीएम्बल में दिए गए हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि RTI एक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये बोथ ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, इफ द इन्फॉर्मेशन सॉट कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन हाउ मच टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर आप सेक्शन 7 ऑफ द RTI एक्ट देखेंगे तो वहां पे दिया है कि कोई जर्नली इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी के लिए आया है, कोई एप्लीकेशन आई है, तो उसका रिप्लाई इन ऑर्डिनरी और जनरल केसेस 30 डेज के विद इन करना जरूरी है। बट इफ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन देन सच इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और द रिक्वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 48 आवर्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, Which section of the Indecent Representation of Women Act provides that the provisions of CRPC shall be applicable to any search and seizure? कौन सा सेक्शन है इसमें से जो प्रोवाइड करता है? इट इज सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट जो बोलता है कि अगर जो भी प्रोविजन सीआरपीसी में दिए हैं विथ रिगार्ड टू सर्च एंड सीजर वो सब एनी सर्च एंड सीजर विच इज कंडक्टेड अंडर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट उस पर अप्लाई होंगे। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 5 क्लॉज 2। लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन 150 का करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द डिस्कशन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू।